लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मुखिया जी और बिरादरी के लोगों, आज इस पवित्र त्यौहार पर आप लोगों की कृपा से मैं अपनी बेटी चंपा की मंगनी करना चाहता हूँ और जिस लड़के को मैं अपना दामाद बनाना चाहता हूँ वो मैं हूँ। 1000 देने की हिम्मत है? 1000 बिना मोल भाव किए चार आने की भाजी नहीं खरीदता, ये तो सारी जिंदगी का सवाल है। 200 लोगे? 200? अरे मंगलू, तू भी तो शादी करना चाहता, बोल ना कुछ। शाबाश, सत्यानाश। 1000? अरे साहब, आप इतने बड़े ऑफिसर होकर मेरी लड़की से शादी करना चाहते हैं? नहीं नहीं, मैं चाहता हूँ तुम अपनी बेटी को लीलाम मत करो, उसकी शादी टीकाराम से हो जाने दो जिसे वो चाहती है। क्यों री, तू इस उल्लू को चाहती है? हाँ बापू। उल्लू के ससुर जी, जी जल्दी से फैसला कर दो वरना मेरे साहब खपा होके चल जाएंगे, फिर 500 पर ही टापते रह जाओगे। अरे क्या बात कर रहे हो, बात तो पक्की हो गई है ना। मुखिया जी और बिरादरी के लोगो, आज मैं अपनी बेटी की सगाई श्री टीकाराम जी से पक्की करता हूँ। मुबारक। जल्दी से पूरी करा। अब इस खुशी के मौके पर अपने रीति रिवाज के अनुसार सब लोग लुगड़ी के चार चार घूंट अपने गले के नीचे उतारो। बाबूजी, शुरुआत आपसे कीजिए। अरे चपड़ खंचू, साहब को लुगड़ी, साहब अंग्रेजी पीते हैं अंग्रेजी। लीजिए साहब, लीजिए साहब। ये क्या, तो तुम शराब पियोगे? दीदी आज आप कुछ न बोलिए, ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है, रीति रिवाज की बात है। साहब नहीं पियेंगे तो बिरादरी वाले नाराज हो जाएंगे। हाँ बिरादरी वाले नाराज हो जाएंगे, आप तो पीनी ही पड़ेगी। लाओ लाओ सीकाराम, एक बोतल भी दे दो। बाबा कंटक भगवान की जय, हिमालय पर्वत की जय, हिमालय पर्वत की जय, घंटी देवी की जय, मेरी देवी की जय। साहब आपको तो चढ़ गई है, ये जीप तक छोड़ा हूँ। कहा जीप तक? हाँ आइए दीदी, चलिए चलिए। अरुण तुम गाड़ी तक चल सकोगे? चल सकते हैं, मैं तो उड़ सकता हूँ। हाँ साहब आप उड़ जाइए, मैं भी अपने चंपा के पास उड़ कर जाता हूँ। उड़ के चलो। क्या हुआ? अगर मालूम होता कि तुम शराब पीकर इस तरह बैठ जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं आती। अरे बीनू तुम खाम का घबरा रही हो, मैं तो बिल्कुल होश में हूँ। देखो डार्लिंग मेरे पास आओ। छोड़ दो मुझे, तुम नशे में हो। डार्लिंग डार्लिंग, नशा शराब का नहीं, तुम्हारा है, तुम्हारी आंखों का। मत छुओ मुझे। अरे बीनू मेरी बात तो सुनो। अरे सुनो बीनू मेरी बात तो सुनो। बीनू रुक जाओ, अरे वापिस आ जाओ नहीं तो मैं पहाड़ से कूद के अपनी जान दे दूंगा। दे दो अपनी जान, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। ठीक है जाता हूँ, बाद में पछताना ना। बड़े अफसोस की बात है, तुमने मुझे इतना खराब समझा, चाय के पानी को शराब समझा। अरे पी के देखो पानी है,
ये तुम्हारी टीकाराम का आइडिया। कुछ भी हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरी तो जान निकल गई थी। ए, मेरी जान तो तुम हो, तुम समझती हो मैं उसे इतनी जल्दी निकलने देता? अभी तक मेरी सांस तेज चल रही है, आइंदा कभी ऐसा मजाक नहीं करना। नहीं करूंगा, लेकिन अगर ये मजाक ना करता तो ये रूप देखने को कहां से मिलता? और वो गुस्से का रूप जिसकी लाली देखकर सुबह की हर कड़ी खिल उठती। जा। यहाँ के देखने लायक जगहों में ये झील सबसे अच्छी है। अच्छा, इसे आशा झील कहते हैं। आशा झील, बड़ा अजीब नाम है। कहते हैं इसमें पैसा डालकर मांगने से हर आशा पूरी हो जाती है। कमाल है, तो फौरन इसी वक्त मांगना चाहिए। तुमने क्या मांगा? मुझे तो बिन मांगे ही सब कुछ मिल गया है। सदा सुखी रहो, भगवान भोलेनाथ जोड़ी बनाए रखे। जय शंकर। पंडित जी, अभी तुम्हारी शादी भी नहीं हुई। तो क्या हुआ, ये भगवान शंकर का मंदिर है, इनके चरणों में सौगंध खाकर माला पहना दोगे तो सदा के लिए एक दूसरे के हो जाओगे। पंडित जी अभी आ, जरा दोहार देना। लो बेटा, माला एक दूसरे को पहना दो। फोटो खिंचवा लो, एक रुपए में, एक मिनट में, एक कॉपी। आइए। क्या ख्याल है, हो जाए? आइए। हाँ, एक दूसरे को जरा मोहब्बत से देखते रहिए। ये देखिए, ये लीजिए। वाह चाचा, फोटोग्राफ तो बहुत ही फर्स्ट क्लास है। फोटोग्राफर भी तो बहुत अच्छा है साहब, 40 बरस का तजुर्बा है, दुनिया ने उसकी कदर नहीं की। वाह चाचा, तुसी तो छा गए हो जी। ये लीजिए। थैंक यू। लीजिए, ये हार भी लीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। विनो, एक बार फिर मंदिर आएंगे और अपने बच्चे के साथ फोटो खिंचवाएंगे। क्या बच्चे के साथ, यानी बेटे के साथ? देखना, पहले बेटा ही होगा हमारा। अरे इसमें शर्माने की क्या बात है, सभी की शादी होती है, सभी के बच्चे होते हैं। पहले शादी तो हो जानी तो। हो गई ना, देखो ना, मंदिर में भगवान के सामने तुमने मुझे हार पहनाया, मैंने तुम्हें पहनाया, और दिल से तो एक दूसरे को उसी दिन हो गए थे जब पहली बार मिले, है ना? हेलो, वंदना। जवाब दो। ऐसे नहीं, जोर से।
जोर से, मैं तुम्हारी अजीब आदमी है, कितनी बकवास करता है। हाँ? सर्दी लग रही, एक गीला निकाल, कंबल दे तुम बदल लो। अरे बदल भी लो ना, तुम्हारे सामने तो मैं चला जाता हूँ। जाओ ना। अरे पापा जाता हूँ, लेकिन डांटती क्यों हो, जरा प्यार से तो बोलो। कमाल है, ये लकड़ियां जला दूं, सर्दी भी कम हो जाएगी, कपड़े भी सूख जाएंगे। तीन दिन हुए हैं हमको आए हुए, अभी तक तुम्हारी शायरी खत्म नहीं हुई। अभी तो शुरू हुई है मेरी शायरी। ये गुलाबी मौसम, ये बरखा की रिमझिम, और मेरी बाहों में तुम, जी चाहता है शायरी करता ही रहूं, करता ही रहूं। बीनो, बीनो, इतनी परेशान क्यों, क्या सोच रही? अब मैं बाबा के सामने कैसे जाऊंगी? क्यों, हमने कोई पाप नहीं किया? नहीं अरुण, हम अपने होश खो बैठे, जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, अपने ऊपर काबू रखना चाहिए था हमें। बिनो, भावनाओं की आंधी में इंसान कभी कभी बह जाता है, हम भी बह गए, लेकिन हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके लिए हमें शर्मिंदा होना पड़े। हम ईश्वर के सामने एक दूसरे के हो चुके हैं, पति पत्नी बन चुके हैं। लेकिन लेकिन जब तक दुनिया के सामने शादी नहीं होती। हो जाएगी, देखो ना, कल सुबह मैं मथुरा चले जाऊंगा, चाचा चाची को लेकर परसों शाम को वापस आ जाऊंगा, एक हफ्ते के अंदर शादी, छुट्टी। मुस्कुरा दो, अब तो मुस्कुरा दो। चलो बीनो, कितनी अजीब बात है, कुछ दिन पहले हम एक दूसरे को जानते तक नहीं थे, और कुछ ही दिनों में दो से एक हो गए, और अब कुछ ही दिनों में तीन। जाओ। नाम क्या रखोगे? जब होगा तब सोचूंगी। सूरज कैसा नाम है? लड़के के लिए तो बहुत अच्छा नाम है। पहले लड़का ही होगा, उसके पैदा होते मैं हवाई जहाज की सैर कराऊंगा, ताकि ताकि बड़ा होकर वो भी इंडियन एयरफोर्स में पायलट बने, बहुत बड़ा पायलट। ये सपना मेरा है, पूरा तुम्हें करना होगा, करोगी ना?